राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ, जो अभी भी कैबिनेट की मीटिंग से भाग लेकर आए हैं। सर, दो बार राज्यपाल ने प्रस्ताव वापस भेजा, मतलब आपका होमवर्क आधा अधूरा था सर? हमारा होमवर्क आधा अधूरा नहीं था, संविधान में हमारा हक है। गवर्नर साहब को तो वापस प्रस्ताव भेजने का लीगल राइट ही नहीं है, फिर भी हम टकराव नहीं चाहते। हम तो राजस्थान की जनता के मान और सम्मान के लिए, सरकार के लिए, टकराव टालने के लिए वापस हमने प्रस्ताव भेजा, फिर भेज दिया है। विधानसभा सत्र बुलाना कानूनी हक है हमारा, संविधान में हमारे अधिकार हैं। विधानसभा अध्यक्ष की पावर भी गवर्नर साहब लेकर हमसे सवाल कर रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, डेडलॉक खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस के बागियों की गुलाम बनकर काम कर रही है, बंद करे, बीजेपी का अंत हो जाएगा। देश में तानाशाही जुल्म नहीं चलता, देश एक कानून से चलता है। उस कानून में जो अधिकार सबके अलग अलग तय हैं, उसी अधिकार में तो गवर्नर साहब काम करेंगे, उससे ऊपर जाएंगे। राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार को गिराने के लिए अब संविधान को भी क्या कांग्रेस और बीजेपी में बांटोगे? और विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके लिए इस तरह के इनके बयान देना बीजेपी के नेताओं के कि साहब अभी विधानसभा सत्र बुलाने क्या जाता है, विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए भी अब सरकारों को देखना पड़ेगा। और विपक्ष ये मांग कर रहा है जो खुद सत्ता में रह चुका है, इसका मतलब स्वार्थ। आप जिस तरह से अंधे हो गए अखबार में दो स्टेटमेंट छपवाने के लिए, राजस्थान की जनता सब देख रही है, बीजेपी का सारा असली चेहरा, काला चेहरा सामने आ गया, बीजेपी का सफाया हो जाएगा राजस्थान में भी, देश में भी। लेकिन सर, राज्यपाल साहब ये जानना चाहते हैं कि आप 21 दिन का वक्त क्यों चाहते हैं, इसके अलावा कोरोना के वक्त आपके साथ मैं खड़ा हूँ, 24 न्यूज वाले गवर्नर साहब से 21 दिन बाद की डेट ले आए, फिर मेरे से सवाल कर लें, घोषित करा दो। मंत्री जी ने साफ तौर पर कहा कि नियम कायदों के अनुसार ही राज्यपाल को काम करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में किसी भी सरकार को अधिकार है विधानसभा सत्र बुलाने का, और कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पारित करके राज्यपाल के पास भेजा। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।